फ्रेंड्स, क्लास नाइन्थ इंग्लिश में आज हम राइटिंग स्किल्स ये सेक्शन बी के अंतर्गत है। इसमें राइटिंग यानी लेटर और एप्लीकेशन कैसे लिखना है आपको ये बताया जाएगा। व्हाट इज द लेटर? लेटर इज अ रिटन मैसेज। जो पत्र है वो मैसेज के रूप में लिखा जाता है, ए फॉर्म ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। एक पत्र जो है एक माध्यम है एक दूसरे को किससे बात करने का। आई हैव रिटन और प्रिंटेड रिटन कम्युनिकेशन डायरेक्टेड टू ए पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन। जो हाथ से लिखा जाता है प्रिंटेड भी हो सकता है और लिखावट भी हो सकता है, उससे भी कम्युनिकेट एक दूसरे के माध्यम से कर सकते हैं। ऑफ लेटर्स, पहला आता है फॉर्मल लेटर और दूसरा आता है इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल ना इसका मतलब होता है औपचारिक पत्र, इनफॉर्मल लेटर्स मींस अनौपचारिक। औपचारिक मतलब जो ने ऑफिस सर को या ऑफिशियली जो है मैटर लिखा जाता है वो कहलाता है। इनफॉर्मल मतलब व्यक्तिगत होता है, ठीक है। तो आज पढ़ेंगे फॉर्मल लेटर्स। फॉर्मल लेटर्स व्हेन राइटिंग अ समवन यू डोंट नो कंटेंट ऑफ द लेटर इज नॉट पर्सनल नहीं होता है। पर्पस करेस्पॉन्डेंस बिटवीन बिजनेस के लिए इसका यूज करेंगे और ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं कस्टमर एंड क्लाइंट्स के। फॉर्मल लेटर्स जो फॉर्मल लेटर्स है वो एप्लीकेशन एंड कवर लेटर ये जॉब के लिए होता है, कंप्लेन शिकायत पत्र के लिए लिखा गया है, रिफ्यूजल या रिजेक्ट ऑफर को रिजेक्ट करने के लिए लिखा जाता है, आंसर और एनी क्वेरीज के लिए, और लीव यानी छुट्टी के लिए भी ये पत्र लिखा जाता है। अब देखिए इसका एक प्रारूप, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू इशू यू ए करेक्टर सर्टिफिकेट। जो एप्लीकेशन है यानी आवेदन है आप प्रचारक को दे रहे हैं और उसका जो इशू है कारण है वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक। तो उसको लिखने का तरीका होगा आपको जो लेफ्ट हैंड है इसमें आप लिखेंगे, फर्स्ट आएगा द प्रिंसिपल, स्कूल का नाम आएगा गवर्नमेंट एएस स्कूल भोपाल एमपी, फिर डेट आएगी, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा एप्लीकेशन फॉर एसएलसी आप रिस्पेक्टेड सर, फिर यहां से आएगा आई बैक टू स्टेट दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 19 ऑफ योर स्कूल। मैं जो है आपके स्टेट का हूँ और जो है आपके स्कूल का 9th का छात्र हूँ। माय फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड टू मुरैना, मेरे पिता का स्थानांतरण जो है वो मुरैना में हो गया है। देयरफॉर इसलिए आई हैव ए दिस कंटिन्यू माय स्टडी, मैं अपनी पढ़ाई को जारी नहीं रख पाऊंगा, काइंडली इशू माय स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, मुझे एसएलसी देने की कृपा करें। योर ओबीडिएंटली आपका आज्ञाकारी धर्मेंद्र पाठक क्लास 9। ये हुआ लेटर का प्रारूप। चलिए दूसरा है, योर अनुभव सोनी स्टडिंग इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बोला वाइड एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल for 3 days leave on account of illness। आपकी माँ हो और प्रचारक को 3 दिन की छुट्टी के लिए आवेदन देना है और गुना के स्कूल से है, तो सबसे सर्वप्रथम प्रिंसिपल के लिए द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल का नाम और जहाँ जिस स्थान पर रहते हैं एमपी, ठीक, इस स्टेट डेट फिर रिस्पेक्टेड सर आई लाइक टू स्टेट दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम द वायरल फीवर फॉर लास्ट फ्यू डेज। उस दिनों से मुझे वायरल फीवर Therefore, I will not able to attend the school for next the 3 days. मैं अगले 3 दिन स्कूल अटेंड नहीं कर पाऊंगा। Kindly help to leave from 15 July to 17 July. Your obediently अनुभव सोनी। नाम यहाँ आएगा आपका, क्लास आएगी। Write an application to your principal to issue a character certificate. इसमें भी ठीक उसी प्रकार जो है विधि से लिखना है आपको, लेटर में पूरा नेम, स्कूल नेम और स्टेट ऑफिसर, विथ ड्यू रिस्पेक्ट आई इन्फॉर्म दैट आई एम अप्लाइंग फॉर द पार्ट टाइम पोस्ट एट आईआईटी ग्वालियर। माय कैरेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम द स्कूल इज टू बी सबमिटेड अलोंग विद द एप्लीकेशन फॉर्म, काइंडली इशू मी अ कैरेक्टर सर्टिफिकेट, थैंकिंग यू योर्स ओबीडिएंटली रजत सिंह क्लास 9th। इस प्रकार आपको ये लेटर ऐसे लिखना है। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर द चेंज ऑफ योर सेक्शन। आपको एक आवेदन लिखना है प्रिंसिपल के नाम से और जो है सेक्शन बदलने के लिए कहना है।
write an application to the principal requesting him to grant your scholarship. यानी एक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करना है और रिक्वेस्ट करना है प्रिंसिपल के लिए, ये भी आपको होमवर्क में दिया गया है, आप इसको अच्छे से लिखिए प्रॉपर.